विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC फाइनल ईयर एग्जाम केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्रों को फाइनल ईयर के एग्जाम देने ही होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन राज्यों में आपदा प्रबंधन कानून लागू है उन राज्यों की सरकार चाहे तो इन्हें टाल सकती है, लेकिन ये करवाने जरूर होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी छात्र को फाइनल ईयर के पेपर के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर देश में पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि UGC ने 30 सितंबर को ये परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया था। फिलहाल जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। गौर हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को जरूर कराए जाने का सर्कुलर जारी किया था। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती UGC फाइनल ईयर एग्जाम केस में दी गई थी। सर्कुलर में कहा गया था कि एग्जाम 30 सितंबर 2020 तक करवा लिए जाने चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के 71 स्टूडेंट्स ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा था कि क्या UGC के आदेश और निर्देश में सरकार दखल दे सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था कि छात्रों का हित किस में है ये छात्र तय नहीं कर सकते, इसके लिए वैधानिक संस्था है, छात्र ये सब तय करने के काबिल नहीं है।